फ्रेंड्स, कैसे हो आप? जयमा टैरो में आपका स्वागत है। जयमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, आज की रीडिंग है संडे स्पेशल। जी हाँ, राधा कृष्ण जी के दिव्य संदेश, जहाँ प्यार की बात आती है, सच्चे लव की बात आती है, तो राधा कृष्ण जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। ये रीडिंग कोई भी कभी भी जो भी इस रिश्ते में है देख सकता है। आज की रीडिंग में देखेंगे कि राधा कृष्ण जी आपको अपनी परेशानियों का, या आपको किस तरह से बताते हैं कि आपकी परेशानियों का क्या समाधान है, तो आज उनकी गाइडेंस लेते हैं। चलिए देखते हैं संडे की मॉर्निंग में सबसे पहले राधा कृष्ण जी की रीडिंग। राधे राधे। राधे राधे। गाइस, राधा कृष्ण जी कह रहे हैं कुछ लोग अपने इस रिश्ते से काफी परेशान हैं, दुखी हो चुके हैं, और उनको ऐसे लगता है जीवन की जीवन से ये रिश्ता खत्म हो गया है। लेकिन आने वाला इन फ्यूचर आपका टाइम बदलने वाला है, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि अपने कर्म खराब नहीं करने। राधे राधे। अगर आप में से कुछ पर्सन ऐसे हैं जो अपने पर्सन का एक्शन का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि सामने वाला कई दिनों से कुछ एक्शन नहीं ले रहा, चाहे वो फ़ोन कॉल मैसेज का हो, चाहे वो रिश्ता आगे बढ़ाने का हो, तो राधे कृष्णा जी कह रहे हैं कि वो पर्सन अब आपकी तरफ वो एक्शन लेने वाला है जिस एक्शन की आप इंतजार में हो। राधे कृष्णा। जी हाँ, किंग ऑफ कप्स। कई बार रिश्तों में ऐसा हो जाता है, मन मुटाव चलते हैं। राधे राधे जी कहते हैं, नाराज हो जाते हैं पार्टनर, या आप खुद नाराज हो जाते हो जब रोज़ की कोई चीज़ का सलूशन नहीं आता। फिर आखिर में आप लोगों को लगता है कि ये इंसान हमें लव नहीं करता। तो अगर किसी आप में से कुछ लोगों की ऐसी सिचुएशन है, तो राधे कृष्णा जी कहते हैं कि वो इंसान आपको प्यार बहुत करता है, भले ही इग्नोर करता है, भले ही आपका ध्यान रखता है, ये उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो बंधा पड़ा है। कुछ भी करिए, लेकिन मन में ये बात मत लाइए कि वो आपको लव नहीं करता। राधे राधे। राधे कृष्णा जी कहते हैं, जिन लोगों के रिश्ते में काफ़ी टेंशने हुई है, काफ़ी माहौल ख़राब रहा है, काफ़ी ड्रामे हुए हैं, या काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होके रिश्ता ख़राब हुआ है, उन लोगों को अब वहाँ से हटकर अपनी चीज़ों को बैलेंस बनाना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए, और डिवाइन पे सबसे बड़ी बात भरोसा रखना चाहिए। राधे राधे। जजमेंट का बात। राधे राधे जी कहते हैं, अगर आप सोचते हो कि मैंने प्यार में 101% दिया, मैंने सब कुछ दिया, फिर भी प्यार मुझसे दूर क्यों है, फिर भी बीच में रास्ते में इतनी खाइयाँ या टेंशनें क्यों उत्पन्न है, तो राधे राधे जी कहते हैं, ये आपका कुछ कार्मिक है, ये समय निकलेगा, लेकिन आपको मैनिफेस्ट करना होगा, डिवाइन को याद करना होगा, ये वक्त निकल जाएगा, लेकिन हिम्मत मत हारिए। राधे राधे। यशोमदे मैया से पूछे नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधे राधे। गाइस, आप अपने पार्टनर के साथ, या आपका पार्टनर आपके साथ काफ़ी कुछ बातें छुपा रहा है, उसकी जो फीलिंग है छुपी हुई है, लेकिन वो इंसान जो है, जो भी आप दोनों में से फीलिंग छुपा रहा है, वैसे अच्छा है, और इस चीज़ से डरते हैं कि रिश्ते में रिश्ता ख़राब ना हो जाए। होता है ना, हर एक का इंसान का अलग अलग हिसाब होता है, लेकिन रिश्ता एक ही होता है, और हर कोई चाहता है कि हमारा अच्छा सा चले और बढ़े।
तो अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे सामने वाला कुछ छुपा रहा है, परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती है, तो आप उनसे अपने रिश्ते के लिए क्लियरिटी यानी कि क्लैरिटी पूरी लें और आगे बात बढ़ाएं, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको कुछ ऐसा मिल सकता है जिसके लिए आप तैयार अभी नहीं हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, राधे राधे। आपके पर्सन जो है आपको प्यार करते हैं, उनको अपनी आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है, बीच में पूरी तरह क्लैरिटी नहीं देते, उनका लव आपको समझ में नहीं आता, तो आपको भी इस रिश्ते में क्लैरिटी करने के लिए सब चीज़ों को हट के, अगर आप इस रिश्ते को अच्छे बंधन में बांधना चाहते हो तो पहले इन चीज़ों को छोड़कर अपने रिश्ते में गौर कीजिए। राधे राधे। थ्री फोर्थ वॉन्ड्स, राधे राधे। कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी उदास हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है और लोग हैं, तो राधे राधे जी कहते हैं ये प्यार का, जिस प्यार में उदासी नहीं, वेट नहीं, जब वही बात है, जब दुनिया को नहीं पता चलता तो वो प्यार प्यार नहीं रहता, वो आम मर्रा की ज़िंदगी हो जाती है। आपके पर्सन आपका बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना बहुत उदास होते हैं, थोड़ा सा आपको वक्त का इंतज़ार करना होगा, 3 महीने या 3 वीक। राधे राधे। आखिर का कार्ड, सबसे बढ़िया कार्ड, अंत बला तो सब बला, हैप्पी एंडिंग, 10 ऑफ कप्स का कार्ड। तो राधे कृष्णा जी कह रहे हैं कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं इमोशनली अटैच हैं, लेकिन फैमिली की वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ती, तो वो कह रहे हैं अब आपकी जीवन में खुशियां आने वाली हैं, आपको घर परिवार प्यार सब बनने वाला है, हमारे दो वाली आपकी जो तमन्ना है वो पूरी होने वाली है, बस खुश रहिए और पॉजिटिव बने रहें। जैसे ही आप इन मैसेजेस को, इन चीज़ों को समझोगे, वैसे ही आपकी जो परेशानियां हैं कम हो जाएंगी। चलिए एक कार्ड मैं अपनी तरफ से भी आपके लिए निकालती हूँ, बहुत दिन हो गए बहुत नहीं निकाला। जय माता। लीजिए गाइस, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, क्या कहना है? तो गाइस, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है कि आपके रिश्ते में अगर थर्ड पार्टी की सिचुएशन है, परेशानियां बनी हुई हैं, तो आप अपने किसी शुभ चिंतक से एडवाइस लेके फिर आगे बढ़ें, किसी की बातों में आकर रिश्ते में जल्दबाजी ना करें, पॉजिटिव बने। पॉजिटिव बनने के बाद एक ऐसा जो इंसान इस चीज़ों को समझता है, या जिस पे आप आंख बूंद के भरोसा कर सकते हो, बिलीव कर सकते हो, तो उससे अपने दिल की बात करें, जो आपके साथ हार्ट टच होगा वो आपको एडवाइस सही देगा, अदरवाइज ऐसी बात हर एक के साथ करके एक उछाल आता है। तो ये थे आज राधा कृष्ण जी के दिव्य संदेश, अगर ये आपको पसंद आए हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जो बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को तो आपने प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, जय माता दी, राधे राधे।